नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीत और आज हम एक परंपरा की बात करने जा रहे हैं, वो परंपरा जो पीड़ादायी परंपरा है और ये निभाई जाती है आज से नहीं, काफी सालों से ये निभाई जाती है बैतूल में, जहां पर मेला लगता है। हाल ही में पूर्णिमा बीती है, कार्तिक पूर्णिमा, और उसके बाद मेला भरता है और यहाँ पर एक पीड़ादायी परंपरा निभाई जाती है। कैसी है ये परंपरा, क्यों ये निभाई जाती है, क्या है इसके पीछे वजह, क्यों इस पर रोक नहीं लग पाई, इन सब बातों पर आज हम करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ सहयोगी हमारे ऋषि कुमार नायडू बैतूल से, जो हमारे सहयोगी हैं, जिन्होंने तस्वीर पहुंचाई है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि देखिए तस्वीरें क्या है और इन तस्वीरों को देखकर आप समझिएगा क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर आप समझ सके तो बताइएगा भी कमेंट बॉक्स में यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या है ये। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो हम आपको बताएंगे। लेकिन देखिए जरा ये तस्वीरें, इसमें छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको पाल में रखा गया है, बच्चे रो भी रहे हैं और ये नदी है और देख रहे होंगे आप इस पालने में बैठा कर बच्चे को लेटा कर, छोटे बिल्कुल नवजात बच्चे हैं और इसी पालने में बच्चे को लेटा करके और नदी में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसके आगे की कहानी आप सुनेंगे तो और भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये परंपरा के नाम पर ये सब कुछ होता है, तो आपको क्या लगता है कि ये परंपरा जो निभाई बैतूल में जाती है क्या ये सही है, अगर सही नहीं है तो फिर लगाम क्यों नहीं लग पाई। इन सभी सवालों का जवाब जो है वो जानने के लिए हम हमारे सहयोगी ऋषि कुमार नायडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, स्वागत है आपका। और आज हम जो जिन तस्वीरों की बात कर रहे हैं आप बताई है और ये तस्वीरें क्या ही कहा जाए, क्या है, होता है ये मेला, थोड़ा सा बताइए क्यों होती है ये परंपरा, ये भी आप जी। देखिए पुनीत, ये जो परंपरा है ये भैंसदेही तहसील, ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर पूर्णा नदी का उद्गम इस क्षेत्र से हुआ है, जिसे चंद्रपुत्री यानी चंद्रमा की पुत्री कहा जाता है पूर्णा को। और ऐसी मान्यता यहाँ सदियों से चली आ रही है कि पूर्णा नदी से जो संतान प्राप्ति के लिए मन्नत मांगते हैं जो लोग, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके पीछे एक पेच भी है, मान्यता ये भी है कि जिन लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है वो उन्हें अपनी संतान को लेकर के पूर्णा नदी के तट पर आना होता है और अपने नवजात शिशु को एक लकड़ी का पालना बनाकर उस बच्चे को पालने में लिटाकर नदी की धारा में छोड़ना पड़ता है कुछ समय के लिए। इसके अलावा जो है, जो नदी का जो पानी होता है आमतौर पर इस मौसम के आते आते जो है बहाव कम हो जाता है नदी का, और पानी जो जमा पानी होता है उसमें काफी ज्यादा बैक्टीरिया हो जाते हैं, गंदा पानी हो जाता है, और उस जल को प्रसाद कहकर, पंचामृत कहकर बच्चों को पिला भी दिया जाता है और बच्चों को का जो पालना है वो छोड़ा जाता है। इसमें कई तरह के रिस्क होते हैं, एक तो ये है कि पालना अगर नदी में पलट गया तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। दूसरा रिस्क ये है कि जो पानी बच्चों को पिलाया जाता है उसमें करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, अगर वो बैक्टीरिया युक्त पानी बच्चे को पिला दिया जाए, वो बीमार हो जाए, कभी गंभीर इन्फेक्शन बच्चे को हो सकता है। दूसरी एक कुरीति भी इस पूरे आयोजन से जुड़ी हुई है। एक तरफ जहां पर आज समाज बातें कर रहा है, बेटा बेटी की बराबरी की बातें कर रहा है, तो वहीं यहाँ पर बेटों की चाहत को लेकर के लोग मन्नत करते हैं। और ये बड़ा सुनने में अजीब लगता है कि जब बेटियों को समाज में बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है, इतने उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है हर क्षेत्र में, वहां बेटों के लिए मन्नत करने लोग आ रहे हैं। यानी आज भी कहीं ना कहीं बेटों को लेके जो मानसिकता है, बेटा बेटी को गैर बराबरी जो है लोगों के दिमाग में है, तो ये दो चीजें सामने आती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो नदी का गंदा पानी और बच्चों को का जो पालना है उसे धारा में छोड़ना, जिस तरह से बच्चों को उठा उठा के वहां पर जिस तरह उनके साथ जो आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, जिस तरह बच्चों के साथ बर्ताव होता है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो ये दो चीजें इसमें सामने आती है, प्रशासन जो है उनकी आंखों के सामने ये सब आयोजन होता है, वहां पर बकायदा एक समिति बनी हुई है, पूर्णा नदी समिति जो आयोजन समिति है, आयोजन में किसी भी तरह की सुरक्षा के इंतजाम तो देखने के लिए नहीं मिलते हैं। हालांकि प्रशासन दावा जरूर करता है, लेकिन अब तक कई सालों से हम इस पूरे आयोजन को कवर कर रहे हैं, आज तक ऐसा कुछ देखने को वहां मिला नहीं है कि लोगों को समझाइश दे रहे हैं या इस तरह
करने से रोका जा रहा हो। पुनीत एक चीज रिशु, देखिए ये खबर जो है ये हम इसलिए अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं कोई आवाज तो उठे, क्योंकि ये खबर आज से नहीं, हम कई सालों से यही आप भी कवर करते रहे हैं, हमने भी ये खबर लोगों तक पहुंचाई है, लेकिन हमने इसमें कोई बदलाव होता नहीं देखा है। और आप जो बता रहे थे, मैं एक एक चीज समझना चाह रहा हूँ आपसे। इस ये जो परंपरा निभाई जाती है, कब से निभाई जा रही है, इसके पीछे की क्या कोई कहानी है, और ये निभाने के लिए वो कौन किसको बताता है कि ये परंपरा है? वहां पर कोई मंदिर होगा, वहां पुजारी होंगे, क्या वो बताते हैं? कैसे ये परंपरा होती, शुरू कैसे होती है, कैसे लोग इसको मानते हैं, थोड़ा बताइए। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में और खास तौर पे जो जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र हैं, बैतूल भी एक जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर होता ये है आमतौर पे कि जो कई बार ऐसी कई किंवदंतियां, स्थानीय किंवदंतियां हैं जो धीरे धीरे करके परंपरा बन गई हैं। ये भी जो है इसके इसके पीछे जो ये आयोजन है, इसके पीछे कोई बहुत एक कोई एक एग्जैक्ट कोई कहानी तो कोई बता नहीं पाता है, लेकिन जो स्थानीय पुजारी हैं, जो गांव में आदिवासी क्षेत्रों में जो भगत भूमिका होते हैं, उनके द्वारा ये बताया जाता है कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। वो भी कोई इसका निश्चित समय नहीं बता पाते हैं, और उनका सीधा ये कहना रहता है कि लोगों की मन्नत पूरी हो रही है, इसलिए परंपरा जो है मान्यता बढ़ते बढ़ते एक बड़ी परंपरा बन गई और हर साल ये आयोजन करने लगे लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई लिखित प्रमाण कहीं पर मौजूद नहीं है, केवल किंवदंतियां जो है वो धीरे धीरे करके परंपरा का रूप ले चुकी हैं। परंपरा का रूप ले चुकी हैं, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं जिनके संतान नहीं होती होगी। भाई IVF तक लोग जाते हैं, संतान नहीं होता है, होती है तो यहाँ पर आप ये बता रहे हैं कि मान्यता यहाँ पर है और यहाँ मन्नत मांगनी पड़ती है। तो मन्नत क्या, कैसी मांगी जाती है, क्या होता है यहाँ पर मन्नत में, थोड़ा ये भी बताइए कि क्या करना होता है, क्या वचन लिया जाता है यहाँ पर? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि आदिवासी परंपरा जो है उसमें ऐसा कुछ रहता है कि आपको वचन लेना होता है कि आप ये काम अगर आपका पूरा होगा तो आप ये करेंगे, जैसे बच्चे को पालने में लेटाने वाला, ऐसा कुछ होता है क्या यहाँ पर प्रोसीजर या कुछ परंपरा के नाम पर? जी हाँ पुनीत, देखिए जब यहाँ पर लोग मन्नत मांगने के लिए आते हैं, वो बाकायदा जो है वहाँ के स्थानीय पुजारी से या भगत भूमिका जो होते हैं उनसे मिलते हैं, और केवल आदिवासी ही नहीं बल्कि और भी कई समुदाय से लोग यहाँ पर मन्नत मांगने के लिए आते हैं। तो जो पुजारी होता है या भगत भूमिका होता है, वो लोगों को यहाँ पर संकल्प दिलाता है कि यदि ऊना माता ने उनकी मन्नत पूरी की तो वो अपने नवजात शिशु को लेकर के पूर्णा माई के तट पर आएंगे और यहाँ पर एक पालना बनाकर के उसमें बच्चे को लिटा करके और उसको नदी की धारा में छोड़ देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मन्नत जो है वो अधूरी मानी जाएगी और इसका उन्हें दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में या जो इस तरह के आयोजन होते हैं उनमें एक डर होता है लोगों को, जो ईश्वर का डर कहते हैं या मन्नत पूरी नहीं करना उसका एक डर होता है, उसकी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं और इस तरह से पूरा जो है ये आयोजन होता है। ये एक जो तस्वीर आपने भेजी है इसमें ये व्यक्ति जो है वो नजर आ रहा है, हाथ में बच्चे को लिए हुए है और गले में माला पहने हुए, एक डोली भी यहाँ पर पीछे नजर आ रही है, सर पर कपड़ा बांध। ये क्या भगत भूमिका भूमिका जो आप कह रहे हैं पुजारी, क्या यही होता है और यहाँ पर यही सारे काम करवाता है? जी हाँ, ये जो एक व्यक्ति जो सिर पर जो हरा कपड़ा बांधकर दिखाई देते हैं नदी के बीच में खड़े हुए हैं, इनका नाम राजेश बाबा है, जो यहाँ पर आयोजन समिति के प्रमुख हैं और काफी समय से ये यहाँ पर ये आयोजन के प्रमुख हैं। दरअसल होता क्या है कि राजेश बाबा तो केवल एक व्यक्ति हैं यहाँ जो प्रमुख हैं, और गांव गांव में कई ऐसे गांव हैं जहां से बहुत सारे भगत भूमिका यहाँ पर आते हैं, अपने अपने क्षेत्र के लोगों को लेकर के आते हैं और उनके माध्यम से जितने लोगों की उन्होंने मन्नत करवाई थी और उनके संतान हुई है उन सबको लेकर के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं। बच्चों को पालने में लिटाकर पहले छोड़ा जाता है, फिर बच्चे को गोद में लेते हैं वो, और जो नदी का जो जल होता है, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, पानी साफ हो गंदा हो, लेकिन वो पंचामृत कहकर बच्चे को पिलाते भी हैं। ये तस्वीरों में तो हम देख ही रहे हैं कि पानी बहुत गंदा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ऋषु, जाहिर सी बात है कि लोग जब मन्नत मांगते हैं, निसंतान दंपत्ति होते हैं और लोग
बच्चों के लिए, संतान के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटकते। कई हम खबरें भी देखते हैं कि कई जगहों पर इस प्रकार का ये सब चलता है, कभी परंपरा के नाम पर कभी कुछ और होता है। तो ये चीज थोड़ा सा बताइए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो ये देख रहे हैं बिल्कुल दूध मुंह है बच्चे, और बच्चे को दूध मतलब इस उम्र में बच्चे को दूध के अलावा कुछ भी नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी ये पानी पिला देना, वो भी गंदा पानी पिला देना, ये यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होती। बिल्कुल भी नहीं। देखिए यहाँ पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं होती, और पूरा का पूरा जो आयोजन है ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पुलिस मौजूद नहीं है, प्रशासन के लोग मौजूद नहीं है, डॉक्टर्स की टीम मौजूद नहीं है। काफी बड़ा ये मेला होता है, लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, 1 महीने तक ये मेला यहाँ पर चलता है। तो प्रशासन की तरफ से जो जनपद पंचायत होती है उनकी तरफ से ये पूरा मेला समिति का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि हर विभाग के लोगों का शामिल होना बहुत अनिवार्य होता है। लेकिन आज तक हमने ये कभी नहीं देखा कि किसी भी तरह की जो गड़बड़ यहाँ पर हो रही है, जो हम देख रहे हैं कि बच्चों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, उन्हें जिस तरह का पानी पिलाया जा रहा है, इसे लेकर डॉक्टर्स या अधिकारी किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करते हैं इस मामले में। होता यहाँ पर ये भी है कि यदि कोई प्रशासन के व्यक्ति इंटरफेयर करते हैं तो कई बार यहाँ पर तनाव के हालात भी बन सकते हैं, और पहले भी ऐसा हुआ है कि कई बार लोगों को अगर समझाइश देने की कोशिश की गई तो उसे धर्म से जोड़कर, आस्था से जोड़कर लोगों ने इसे इस बात का बुरा माना और उसे लेकर तनाव की स्थिति भी बन गई। तो कहीं ना कहीं प्रशासन डरता भी है ऐसे मामलों में इंटरफेयर करने में, लेकिन जरूरी भी है कि उन्हें इंटरफेयर करना पड़ेगा, वरना किसी दिन यहाँ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी और बच्चों की सेहत के साथ जो हो रहा है वो तो दिख ही रहा है। रेशु, लेकिन ये इंस्टेंट इसमें दखल देने के बजाय ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया को अंजाम देने की जरूरत यहाँ पर नजर आती है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर प्रशासन, चूंकि अगले साल भी मेला लगेगा, मेला फिर से भरेगा, तो उसके पहले गांव गांव में जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं वहां पर बच्चों की तबीयत बिगड़ती है, टीका लगवाने के लिए जाते हैं, वहां पर स्वास्थ्य केंद्र जो है वहां पर इन ऐसे लोगों को ये समझाइश दी जानी चाहिए कि नहीं, ये आपको इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो बच्चे की सेहत पर, क्योंकि अगर लोग यहाँ पर इस मेले में ये सब कर रहे हैं तो फिर बच्चे के साथ खिलवाड़ और कुपोषण की समस्या और बाकी दूसरी चीजें बिल्कुल बहुत ज्यादा अछूती नहीं है, दूर नहीं है, सबका एक दूसरे से जुड़ाव देख सकते हैं हम साफ तौर। बिल्कुल सही बात है। देखिए प्रशासन के हाथ में सब कुछ है, ऐसी बहुत सारी कुरीतियां, ऐसी बहुत सारी जो मिसकंसेप्शन थे समाज में, उन्हें प्रशासन ही दूर किया है, अपनी योजनाओं से, अपने स्टाफ के बलबूते पर ही प्रशासन ने दूर किया है। तो ये कोई असंभव सा टास्क नहीं है प्रशासन के लिए, उनके पास एक बहुत बड़ा जमीनी अमला है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जब भी बच्चे का टीकाकरण हो या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गाँव में जाकर बच्चों की सेहत का परीक्षण करती हूँ या आंगनबाड़ी में पेरेंट्स आते हों तो वो उन्हें समझा सकती हैं कि बच्चे की तबीयत अगर खराब हो रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये वाले कारण हो सकते हैं, झाड़ फूक करवाना या गंदा पानी या गंदा दूषित प्रसाद खिला देना बच्चे को, ये सारे कारण बच्चे की सेहत के खराब होने के हो सकते हैं। और भी जब डॉक्टर्स भी जब गाँव में कोई कैंप लगते हैं, जब किसी तरह की कोई सभा होती है, तो अगर बार बार लोगों के दिमाग में ये वाली बात जाएगी तो इसमें जरूर है, धीरे धीरे सही लेकिन कभी जरूर आएगी, और एक दिन ये कुप्रथा जो है वो समाप्त भी हो सकती है, इसमें भी पूरी संभावना है। लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं प्रशासन की भी अनिच्छा दिखाई देती है, क्योंकि अगर आप किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, लोगों को मनमानी करने दे रहे हैं, तो फिर कैसे ये चीजें जो है कंट्रोल में आएंगी। ये विल पावर की कमी यहाँ पर नजर आती है प्रशासन की तरफ से, कि अगर इसको इस कुरीति को रोकना है, परंपरा के नाम पर जो कुरीति हो रही है इसको रोकना है तो बहुत लंबा वक्त इसमें जरूर चाहिए, लेकिन चीजें थम सकती हैं। एक चीज और रिशु मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आज का दौर जो है एक आम सी समस्या हो गई है संतान न होना, और ऐसे में क्या ये भले ही ग्रामीण क्षेत्र है लेकिन यहाँ पर क्या पढ़े लिखे लोग भी पहुंचते हैं, क्योंकि कई ऐसे दंपति होते हैं जो संतान न होने पर कहाँ कहाँ नहीं भटकते, दर दर भटकते हैं, और जहाँ उनको मंदिर या कोई स्थान बताया जाता है वहां पर चले जाते हैं, तो ऐसे में क्या यहाँ पर भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, देखते हैं आप लोग ऐसे लोग? देखिए पुनीत, मैं आपको बताऊंगा, आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर जो अशिक्षित लोग हैं उनका रेशियो शिक्षित लोगों के बराबर ही है, या ये कहें कि शिक्षित लोगों का रेशियो जो है वो अशिक्षित लोगों के बराबर का ही रहता है,
कई शिक्षक आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, बिल्कुल और यहाँ तक कि हमने देखा है कि इंजीनियर तक के जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियरिंग पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरह के शिक्षित लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, केवल बैतूल ही नहीं, महाराष्ट्र से भी आते हैं और अच्छे खासे शिक्षित होते हैं। लेकिन जब वो इस तरह के आयोजन में शामिल होते हैं और वो सब कुछ करते हैं जो एक अशिक्षित व्यक्ति भी कर रहा है उनके बगल में खड़ा हुआ, तो फिर हम ये कंपैरिजन शायद कैसे करें कि शिक्षित या अशिक्षित में क्या फर्क है। तो यहाँ शिक्षित लोग भी आते हैं। अब अगर शिक्षित लोग भी इस तरह से कर रहे हैं जो बड़े शहरों से आ रहे हैं, जिनको पता है कि IVF टेक्निक से आजकल मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, अच्छे डॉक्टरों से इलाज करा के भी वो ठीक हो सकते हैं, चलिए ये मान लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बहुत उच्च स्तर का इलाज कराने में सक्षम नहीं है, लेकिन शहरी क्षेत्र से जो पढ़े लिखे और सक्षम लोग आते हैं वो तो करवा सकते हैं। तो इस तरह के लोग भी जब ऐसे आयोजनों में शामिल, ये फर्क करना मुश्किल होता है कि कौन शिक्षित है और कौन अशिक्षित है। बस बात यही प्रमुख हो जाती है कि आस्था और अंधविश्वास ही प्रमुख यहाँ नजर आता है फिर। आस्था अंधविश्वास प्रमुख रूप से यहाँ पर नजर आता है। एक चीज और ऋषु, मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो पूना का मेला जो लगता है पूना नदी पर, ये 1 महीने तक आप बता रहे हैं चलता है, तो क्या ये 1 महीने तक यही क्रम चलता है? और क्या इस मेले के आयोजन के पीछे का कारण भी केवल और केवल यही है या फिर और कोई कारण भी होते? जी देखिए, जो मेले का जो पूरा का पूरा कारण है, उसका सबसे प्रमुख हाईलाइट जो है वो यही है। इस मेले का जो आयोजन होता है उसके उसमें सबसे प्रमुख तौर पर केवल इसी के लिए मेला आयोजित होता है कि लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। हालांकि पूना मेला 1 महीने तक चलता है, लेकिन जो पूर्णिमा का जो समय आता है, कार्तिक पूर्णिमा का समय आता है और जो अमावस का दिन होता है, उस दिन ये जो है पालने को नदी की धारा में छोड़ने वाला जो आयोजन है, 2 दिन प्रमुख रूप से होता है, जिसमें पूर्णिमा में सबसे ज्यादा यहाँ पर भीड़ देखने के लिए मिलती है। अभी ये कल के ही जो है वीडियोज आप देख रहे हैं, ये कल के हैं। कल जो वहां पर मेला जो था पूरे शबाब पर था, और लगभग ये समझे कि 500 से 600 वहां पर हमने बच्चों को देखा जिन्हें लाया गया था और पालने में छोड़ा गया था। प्रमुख तौर पर जो है इन इन्हीं 2 तिथियों में ज्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। एक चीज और कि अगर ये परंपरा चली आ रही है, लोग नाराजगी भी जताते हैं अगर उनको रोका टोका जाए, तो यहाँ पर कुछ इंतजाम तो ऐसे होना चाहिए, कम से कम सुरक्षा के इंतजाम। क्योंकि क्या मैं मेरा सवाल ये भी है कि क्या ऐसा कभी आपने देखा, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से इसको कवर करते हुए आ रहे हैं, तो क्या कभी आपने देखा कि यहाँ पर ये जो पालना जो है पानी में तैर रहा है, लकड़ी का पालना है, उसमें अगर कुछ अगर उसको बनाने में गलती हो गई तो पानी नीचे से भी भर सकता है, बच्चे को लग सकता है, पालना पलट सकता है, बच्चे डूब सकते हैं उसमें, ऐसा कभी इंसिडेंस देखने को मिला? इसको रोकने के लिए क्या इंतजाम होते हैं और ऐसा कभी आपने देखा भी क्या? जी हाँ, देखिए ये वहां पर बड़ी आम बात है, जो पालने होते हैं वो कोई बहुत एयर टाइट या वाटर प्रूफ तो होते ही नहीं है, वो लकड़ी के सामान्य तौर पर जो मेलों में जिस तरह हम खिलौने खरीदते हैं उस तरह का एक पालना होता है। कई बार ये होता है कि उसमें पानी घुस जाता है, पालने के अंदर बच्चे भीग जाते हैं, और जो भगत भूमिका होते हैं वो भी उनको गोद में लेकर के उछालते हैं, उनके मुंह में पानी डालते हैं गंदा, तो बच्चे तो कहीं ना कहीं सफर करते हैं इस पूरे आयोजन में। हमने कई बार देखा है कि इस तरह से पालने में पानी घुस गया हो। यहाँ तक भी होता है कि जब बारिश जिस साल कम हुई है और नदी में पानी उतना पर्याप्त नहीं है कि वहां पालना छोड़ा जा सके, तो बाकायदा वहां पर जो है दमकलें बुला करके पानी डाला जाता है, जो छोटे छोटे पोखर हैं, गड्ढे हैं, उनमें पानी भरा जाता है। लेकिन ये आयोजन किया जाना बड़ा अनिवार्य होता है, पानी भी डाला जाता है, जो और जो दमकल जमा आप हुआ पानी होता है वो कीचड़ में तब्दील हो जाता है पूरा। ये दमकल के बारे में आप जो बता रहे हैं, तो ये तो प्रशासन की मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं है, तो प्रशासन यहाँ पर लोगों को समझाए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपसे जो बात हो रही है, इसमें भगत भूमिका भूमिका जो है उसकी भूमिका यहाँ पर बड़ी नजर आती है। और अगर प्रशासन, क्या प्रशासन ने अब तक उनको साधने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, उनको बताने की कोशिश की है कि वो जो कर रहे हैं वो कितना घातक हो सकता है? जी देखिए, एक आज से लगभग 12-13 साल पहले जिला प्रशासन ने एक छोटा सा प्रयास किया था भैंसदेही तहसील में ही, कि जो जितने ग्रामीण क्षेत्रों में जो भगत भूमि का काम कर रहे हैं उनका एक सम्मेलन आयोजित करवाया गया था, जिसमें उन्हें ये समझाया गया था कि झाड़ फूक उतना ही
करें जब जहां तक जिस किसी की जान को खतरा ना हो। अगर आपसे किसी का इलाज नहीं बनता है तो आप उसे अस्पताल जाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें अस्पताल की तरफ भेजें। भगत भूमकाओं को समझाया भी गया था, ये वही भैंसदेही तहसील है जहां ये मेला लगा हुआ है। लेकिन इसके बाद वो धीरे धीरे केवल एक सम्मेलन बन के रह गया, वो भी प्रशासन की खानापूर्ति रह गई। उसके बाद कभी हमने ये नहीं देखा कि प्रशासन ने इस तरह के आयोजनों में भगत भूमकाओं पर कोई बैन किया हो या उनका उनकी काउंसलिंग करके उन्हें समझाया हो कि इस तरह के आयोजनों में ऐसी वो काम ना करें कि किसी की जान को खतरा हो। बैतूल में केवल पूर्णा मेला ही नहीं पुनीत, मैं बता दूं ऐसे कई आयोजन होते हैं जहां पर इस तरह से भगत भूमका झाड़फूंक करते हैं, लोगों का इलाज केवल जड़ी बूटियों से या झाड़फूंक के जरिए ही ठीक करने का दावा करते हैं। कई लोगों की सर्पदंश से मौत हो जाती है क्योंकि वो झाड़फूंक पहले प्रेफर करते हैं। तो ये आयोजन भी वैसा ही कुछ माने, और प्रशासन का तो हमने देखा कि अभी तक वैसा रोल समझ में नहीं आया इसे रोकने के लिए जैसा कि होना चाहिए। कुछ अगर ये परंपरा भी चल रही है तो इसको थोड़ा सा सिस्टमाइज तो यहाँ पर किया ही जा सकता है। पालना जो है उसको वो ठीक अच्छा पालना हो, ऐसा पालना हो कि वो ना पलटे, इसकी व्यवस्थाएं दिखवाई जा सकती हैं ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सवाल बच्चे की सुरक्षा को लेकर है, बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर है। इसके लिए भगत भूमका को समझाइश दी जानी चाहिए कि भाई आप जो पानी पिला रहे हो कम से कम वो पानी तो मत पिलाओ, कितना खतरनाक वो पानी हो सकता है। इसके लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं हुए ऐसा लगता है। और आपने जो बताया कि केवल जो काउंसलिंग होनी चाहिए भगत भूमका की, वो काउंसलिंग यहाँ पर नहीं हुई है। इस बार प्रशासन का क्या कहना है इस मामले को लेकर? क्या प्रशासन इसको रोकने के लिए आगे कोई कदम उठाने वाला है? कोई प्लानिंग होती है इसको लेकर? क्योंकि मेले की तो प्लानिंग होती होगी, ये बात तो सही है। जी देखिए पुनीत, केवल मेले की ही प्लानिंग होती है और सिर्फ यही प्लानिंग्स होती है प्रशासन की कि मेला स्थल का चयन करना है, कहाँ पर मेला लगेगा, नदी के किस तरफ किस मैदान में मेला लगेगा, ट्रैफिक की क्या व्यवस्था होगी, लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था होगी, केवल यही प्लानिंग्स होती हैं। लेकिन जो इस मेले का जो मूल है, यानी जो बच्चों के साथ जो हो रहा है यहाँ पर, इसको रोकने या इसको कंट्रोल करने या इसको सिस्टमाइज करने के लिए किसी भी तरह की कोई प्लानिंग आज तक नजर नहीं आई। अगर प्रशासन चाहे तो बहुत छोटी सी बात है कि जो पालने आते हैं पहले उन्हें चेक किया जाए, दो तीन लोग मिलकर प्रशासन के लोग चेक करें कि पालना सुरक्षित है या नहीं, एक स्थान चिन्हित कर दिया जाए जहां पर पालने के डूबने का खतरा ना हो, इस तरह के प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं। भगत भूमकाओं को और जो बच्चे आ रहे हैं उनके पेरेंट्स को सख्त समझाइश दी जाए कि वो गंदा जो पानी है उसे पंचामृत कहकर बच्चों के मुंह में उस पानी को ना डाला जाए। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रशासन बहुत आसानी से कर सकता है, लेकिन इस तरह के कोई प्रयास ना इस बार हुए हैं ना इसके पहले हुए हैं। इस बार भी कोई प्रयास नहीं हुए, इसके पहले भी नहीं हुए, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं। देखिए, ये खबर बताने का हमारा मकसद यही है, जो लोग देख रहे हैं वो भी इसको लेकर आवाज उनको भी उठानी चाहिए। प्रशासन तक ये बात पहुंच रही तो प्रशासन को भी इस मामले में कोई गंभीरता से कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे मासूम बच्चों का सवाल है। आदिवासी क्षेत्रों में वैसे भी जो बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन शासन जो है वो तमाम प्रयास करता है, तमाम खर्च करता है, तमाम योजनाएं चलाता है, और यहाँ पर ये जो परंपरा के नाम पर, आस्था के नाम पर अंधविश्वास का जो खेल चल रहा है इसको खत्म करने की जरूरत है। और ये भले ही एकदम से खत्म ना हो, लेकिन जरूरत है कि इसको धीरे धीरे करके ही सही, लोगों को समझाइश देकर ही सही, ये परंपरा के नाम पर जो खेल चल रहा है इसको बंद किया जाना चाहिए। शुक्रिया ऋषु, आप हमारे साथ जुड़े, ऋषु हमारे साथ जुड़े थे। और ये तस्वीरें जो हैं, ये आप जो देख रहे हैं, इन तस्वीरों को आप एक बार फिर से देखिए और समझिए कि देखिए कितना एक बच्चा, जो मासूम बच्चा जो बोल नहीं सकता, वो कितनी तकलीफ में है, उसको कितना तकलीफ झेलनी पड़ रही है। हालत और आप बैतूल की ये तस्वीरें आपने देखी, और हमारी कोशिश यही है कि ये जो परंपरा के नाम पर ये जो खेल चल रहा है, ये खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों की सेहत के साथ खुला खिलवाड़ हो रहा है, इसे बंद किया जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये बात जो है जिला प्रशासन तक, शासन तक पहुंचे ताकि इस प्रकार की ये जो परंपराएं हैं इनको बंद किया जा सके, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। तो इसी उम्मीद के साथ आज के फेसबुक लाइव में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।